नमस्कार। तो सुपर 30 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पहली नज़र में अगर फर्स्ट लुक देखा जाए सुपर 30 का, तो ऋतिक को ऐसा लगता है ओवर टैनिंग हो गई है, पर उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। एक जुनूनी मैथमेटिशियन दिखाया गया है उन्हें फिल्म में, जिसकी वजह से उन्हें अपने कैरेक्टर में काफ़ी बदलाव करने पड़े हैं। उनके फैंस, ऋतिक के फैंस हालांकि इसको देखकर काफ़ी खुश होंगे, कितनी मेहनत करते हैं ऋतिक एक कैरेक्टर में घुसने के लिए। सुपर 30 के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये फिल्म आनंद कुमार पे बेस है, जो एक पटना में मैथमेटिशियन है। आनंद कुमार एक इंस्टीट्यूट चलाया करते थे, बाद में उन्होंने सुपर 30 लॉन्च किया, जिसमें वो गरीब बच्चों को IIT की पढ़ाई की ट्रेनिंग दिया करते थे। सुपर 30 बेसिकली उन्हीं से प्रेरित है। हालांकि पहले इसके डायरेक्टर ये बोल रहे थे कि आनंद कुमार से ये फिल्म प्रेरित नहीं है, क्योंकि आनंद कुमार खुद काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि आनंद कुमार झूठ बोलते हैं। उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाए गए, उनके आर्टिकल पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि आनंद कुमार का कोई आर्टिकल कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। आनंद कुमार का कहना है कि वो कैम्ब्रिज में पढ़ने जाना चाहते थे और अपने टिकट के लिए भी लोगों से पैसा मांग रहे थे, पर उन्हें पैसा नहीं मिला। उसके बाद उनकी फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पटना में ही रहना पड़ा। उनकी माँ पापड़ बनाकर घर चलाया करती थी। आनंद कुमार खुद मैथमेटिशियन होने की वजह से ट्रेनिंग दिया करते थे बच्चों को, ट्यूशन लिया करते थे बच्चों की। उसके बाद उन्होंने सुपर 30 की स्थापना की। सुपर 30 में उनके घर वाले ही इन बच्चों को खाना खिलाया करते थे। सुपर 30 में बेसिकली सब कुछ इन बच्चों के लिए फ्री था, जो बच्चे गरीब थे और फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर सुपर 30 की कास्ट के बारे में बात की जाए, तो उसमें लीड रोल में ऋतिक रोशन हैं, मृणाल ठाकुर हैं, आदित्य श्रीवास्तव हैं और पंकज त्रिपाठी हैं। ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स किसी भी मूवी को काफ़ी अच्छा अंजाम दे सकते हैं। इसके बजट के बारे में बात करें तो 70 करोड़ के आसपास इस फिल्म का बजट रहा। फिल्म 3600 स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी। एक एस्टिमेशन की माने तो ये मूवी अपनी फर्स्ट ओपनिंग 15 करोड़ रुपए तक दे सकती है। हालांकि भारत आज रिलीज हो गई है और उसको देखने के लिए तो लोग दीवाने हैं। पर अब बात करते हैं सुपर 30 की। तो सुपर 30 आनंद कुमार एक मैथमेटिशियन हैं, जो पटना में, उन पर ये मूवी बेस्ड है। आनंद कुमार खुद अपने आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, उनको IIT की ट्रेनिंग दें। IIT की ट्रेनिंग के लिए 3 से 6 लाख रुपए सालाना खर्चा आता है। डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट फीस चार्ज करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये मूवी बेसिकली ये पेट्रियटिज्म पे बेस है। मूवी की स्टार्ट, जो ट्रेलर का स्टार्ट है, वो ये है कि गूगल का चीफ कौन है, मास्टर कार्ड का चीफ कौन है, पेप्सिको का चीफ कौन है, ऐसे करके आपको हिंदुस्तान के जो कामयाब लोग हैं उनके बारे में बताया जाता है। वैसे ही ट्रेलर का स्टार्ट होता है। सन 2002 में आनंद कुमार ने गरीब होने की वजह से जो बच्चे ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं IIT की, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट खोला था। उनका पहले भी इंस्टीट्यूट था रामानुज के नाम से, पर उन्होंने सुपर 30 बनाया। कुछ लोगों का ये मानना है कि रामानुज जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उससे काफ़ी कमाई होने लगी थी। तब आनंद कुमार और उनके साथ जो उनके पार्टनर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 10% बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, इसीलिए उन्होंने सुपर 30 बनाया था। पर क्या स्टोरी है असल में, ये कोई नहीं जानता। आनंद कुमार भी काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस को मना कर चुके हैं बात करने से, हालांकि उन्होंने BBC से एक बार बात ज़रूर की थी। आनंद कुमार पे इससे पहले भी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। जो लोग मानते हैं कि आनंद कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। आनंद कुमार को काफ़ी सारे प्राइज भी मिले हैं उनके काम के लिए। अब देखना ये होगा कि ऋतिक की जो वापसी होने वाली है तकरीबन 2 साल बाद, वो फैंस कितना पसंद करते हैं। आनंद कुमार से तो लोग कम ही प्रेरित होंगे नॉर्थ इंडिया में, पर ऋतिक से तो ऑल ओवर इंडिया लोग काफ़ी प्रेरित हैं, उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना यह है कि ऋतिक के फैंस अपने इस नए अवतार को, ऋतिक के इस नए अवतार को कितना पसंद करते हैं। मैं हूं वरुण अवस्थी, बिज़ तक देखने के लिए धन्यवाद।